close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. ये जो आप देख रहे हैं ये कार्डिगन स्वेटर कहलाता है. ये मैं आज आपको इस वीडियो में बनाना सिखाऊंगी. लेट्स गेट स्टार्टेड. ये मेरा नाप है. मैं इसके हिसाब से इतनी ही लेंथ का और इतनी ही मतलब इतना ही खुला मैं अपना एक बैगी स्टाइल में बना रही हूँ स्वेटर. और तो मैंने एक बाजू तो बना लिया. इसकी लेंथ इतनी है. वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लंबा था तो मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से छोटा कर लिया. ये देखें जिसके बाजू आगे से इस तरह के होंगे और एक और ये इस तरह. इस तरह मैं आपको दूसरा बाजू बनाने का शुरू करती हूँ. तो अब हम अपना ये स्वेटर बनाना शुरू करते हैं. देन लेट्स गेट स्टार्टेड. स्वेटर की विड्थ ये मैंने पहले से ही लिख कर रख ली थी. स्वेटर मैंने बाजू की बनाई है 50 चेन्स. यानी जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो 50 चेन्स होंगी. 50 चेन्स में बनाकर उसकी हमने लेंथ 20 इंच रखनी है. यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखें ये 20 इंच है. ये और ये मैंने 5 अलग से रोज बनाई हैं सिंगल क्रोशे की. ठीक है तो इसको मिला के ये 21 बनती है मेरी लेंथ. टोटल बाजू की लेंथ मेरी 21 है लेकिन हम अगर ये वाला पार्ट निकाल दें तो वो 20 इंच बन जाती है. तो मैं ज़रा इसको यहाँ नोट कर लेती हूँ ताकि जब मैं दूसरा बाजू बनाने लगूँ तो मुझे याद रहे. टोटल मेरी है 21 इंच लेकिन आगे का कफ निकाल कर तो ये 20 इंच बनती है. और विड्थ मेरी मैंने पहले से ही नाप लिया था इसको सीने से पहले 14 इंच है मेरी विड्थ. यानी 14 को अलग इसको हाफ करेंगे तो ये 7 इंच बनेगी. इस तरह हम मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ. ये देखिए ये 7 इंच. लेकिन जब हम इसको खोल देंगे अगर यहाँ से ये हमने अगर ये इसकी स्टिचिंग इसको खोल देते हैं टोटल ये 14 इंच बन जाता है. चलें मैं आपको स्टार्ट करना करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे ये अपना ये बाजू स्टार्ट किया. ये मैंने एक न्यू यॉन उठाई. हमने यूं क्रॉस वाइज रखना है. ये हमने ये स्लिप नॉट बना ली. ठीक है इसमें हम पहले तो हम सबसे पहले 50 चेन्स बनाएंगे. हम वन टू थ्री फोर 49 50. ये 50 चेन्स बना ली. अब हम दो एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे जिसको हम टर्निंग चेन कहते हैं. यानी टोटल 52 टर्निंग चेन. तो हम यूज़ कर रहे हैं हाफ डबल स्टिच क्रोशिया स्टिच. तो हमने ये धागा इस तरह ऊपर से ले आकर हुक के ऊपर से हमने ये 1 और 2 चेन्स को छोड़ के थर्ड चेन के अंदर आपने डालना है. ये सिर्फ हम स्टार्ट करने के लिए करेंगे उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा. हमने ये धागा खींचना है तो ये बन जाएंगे हमारे कितने लूप्स 3 लूप्स. इन 3 लूप्स के ऊपर से हमने धागा खींच कर ये हमने ये करना है. तो ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया स्टिच. धागा घुमाकर इसके अंदर चेन के अंदर डालकर निकालना है. 3 लूप्स बन गए. ये हमारा सेकंड हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बन गया.
इसी तरह ऊपर से धागा हुक के ऊपर से आप धागा घुमाएंगे, चेन के अंदर डालेंगे, खींचेंगे 3 लूप्स एंड द सेम प्रोसीजर कॉन्टिन्यूस। ये मैं अपनी लास्ट चेन तक पहुंच गई हूँ स्लिप नॉट की तरफ। मैंने अभी मैं आपको ये सेकंड रो में जाना सिखाऊंगी। ये अब मैंने ऊपर से हुक के ऊपर से धागा घुमाए, ये लास्ट चेन के अंदर मैंने ये हुक डाला। ठीक है, यहाँ हमारी एक ये चेन ख़त्म हो गई। यहाँ से शुरू की थी ये 50 चेन्स की हमारी एक रो है। हमने एक सिंगल चेन बनाई और अपना ये चेन ये अपनी रो घुमाई, फिर हमने धागा घुमाया। तो ये देखें, ये जो फर्स्ट स्टिच है, ये देखें, ये ऊपर से आप देखें तो आपको इस तरह नज़र आ रही है चेन। तो इस चेन के अंदर से, नीचे से स्टिच के अंदर से हमने घुमाया और ये 3 लूप्स बन गए। इसी तरह हमने आगे इसी सेम चलते आना। ये हमने स्टिच के अंदर से हमने ये डाला और फिर हमने धागा घुमाया, स्टिच के अंदर से धागा निकाला और ये लूप्स के अंदर से गुजरा, ये चेन के अंदर डाला, स्टिच के अंदर सॉरी, ये हमने धागा निकाला और ये धागा ये हम पहुंच गए सेकंड रो के लास्ट में। अब ये देखें, ये हमें लास्ट स्टिच मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें, ये हमें बहुत मुश्किल से नज़र आता है। हमारा लास्ट स्टिच ये देखें, ये हमारा है लास्ट स्टिच। ये काफ़ी मुश्किल से नज़र आता है, ये बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप अलग से एक वूल यॉन ले लें और उस पर सारे स्टिचेस को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आज पता चल जाएगा। जिसको समझ आ जाती है उसके लिए बहुत ईजी है। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। हमने फिर एक एक्स्ट्रा चेन बनाई, फिर अपना इसको घुमा दिया। ये देखें, इसका ये पैटर्न यूँ बन जाता है। फिर हमने हुक के ऊपर से धागा घुमाया, ये फर्स्ट स्टिच के अंदर डाला और एंड द प्रोसेस कॉन्टिन्यूस। हाँ, अब मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं अपना ये कंप्लीट कर लूँगी। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचूँगी तो मैं यहाँ से आपको दोबारा बताऊँगी कि ये मैंने ये वाले बाजू कैसे बनाए हैं, कि ये उसको ऐसे चुनर देकर। ये जी, मैंने बाजू बना लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मयर करेंगे। तो ये मयरिंग टेप लेकर मैंने इसको जो मयर किया तो ये पूरे 20 इंचेस बनता है। ठीक है, अब हम फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए इन लाइंस को काउंट किया। ये जी 31 लाइंस हैं। चले हम इनको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. ये हमारी 31 लाइंस हैं। ये अब हमने जी आगे से बाजू बनाने हैं। बाजू बनाने के लिए
हमने इस तरह के सिंगल क्रोशे से बाजू बनाए हैं और सिंगल क्रोशे की 5 रोज़ डाली हैं। सबसे पहले तो हम इसको स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच कर लेंगे इन बाजू को आपस में। ये हमारे बाजू की बैक साइड है, तो ये जब यॉन ख़त्म होती है तो फिर मैं इस तरह गिरा लगा लेती हूँ ताकि चलिए जी स्ट्रिप स्टिच बनाते हैं। स्ट्रिप स्टिच बनाने के लिए हमने एक तरफ से हुक डाला और दूसरी तरफ से उस धागे को ऐसे खींचकर ये देखिए हमने धागे को खींचा और उसी लूप को दूसरे लूप के अंदर कर दिया, ये हमारा स्लिप स्टिच बन गया। फिर हमने अगेन स्वेटर के ये जो दो स्टिचेस हैं आपस में जो कॉरस्पॉन्डिंग स्टिचेस के अंदर हमने हुक डालकर उधर से धागा खींचा, तो ये हमारे दो लूप बन गए। हमने जो हमारा दूसरा लूप बना है उसी लूप को हम जो पहला लूप बना हुआ है ये देखिए हमारे दो लूप बन गए। पहले लूप के अंदर से हम इसके अंदर डालकर धागा खींच देंगे, ये हमारा स्लिप स्टिच बन गया। इसी तरह हमने करके हम पूरे स्वेटर को इस तरह हमने अटैच कर लिया। ये थोड़ा सा मेरे लिए टाइम टेकिंग था कि ये थोड़ा सा मेरे हाथ अभी असल में सर्दी इतनी है कि ठंड की वजह से थोड़ा सा ग्रिपिंग थोड़ी सी मुश्किल है। चलें जी ये हम इस तरह स्लिप स्टिच के थ्रू पूरा अटैच कर जी। अब ये हमारा स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच हो गया। अब हम यहाँ से सिंगल क्रोशे स्टिच हम शुरू करेंगे। ये हमने पहला स्टिच दे दिया है। हमने सिंगल क्रोशे से ऐसे स्टिच करना है कि ये यहाँ से चुन्नट बन के इसका जोन सा एरिया है ये थोड़ा सा कम हो जाए। मैंने अपने बाजू के हिसाब से रखे, आप अपने बाजू के हिसाब से कर सकते हैं। ये पहले हमने स्टिच के अंदर हमने हुक डाला और ये हमने धागा ऊपर से घुमाकर फिर धागा घुमाकर इन दो लूप्स के अंदर से हमारा सिंगल क्रोशे फर्स्ट स्टिच बन गया। हमने पहले 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं, उसके बाद हमने 2 स्टिचेस का को स्किप करके अगेन फिर 3 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। आप चाहें तो एक स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कलाई थोड़ी सी पतली है बहुत, तो मैं अपनी कलाई के हिसाब से कर रही हूँ। ये देखें ये 2 को स्किप करेंगे हम और ये 3rd स्टिच के अंदर हम डालकर और फिर हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इसको हम खींच लेंगे ऐसे, ये हमारे ऑटोमेटिकली इस तरह हमारी चुन्नट सी बनती जाएगी। आप चाहें तो आप एक भी स्किप कर सकते हैं अपने बाजू के हिसाब से। ये हमने फिर अगेन 2nd सिंगल क्रोशे स्टिच, ये हमारा 3rd सिंगल क्रोशे स्टिच। इसी तरह से हमने ये पूरा इस तरह के स्टिचेस लगाकर 3 सिंगल क्रोशे 2 स्टिचेस स्किप करें, फिर 3 सिंगल क्रोशे स्टिच, फिर 2 स्किप, फिर 3 सिंगल क्रोशे स्टिच। ये आप एक रो कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट रो में भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए ये मेरी कलाई इतनी पतली है तो इस हिसाब से मैं 2 स्टिचेस स्किप ये है जी। हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है, सेकंड रो में भी हम अगेन यही करेंगे क्योंकि अभी भी ये मेरे बाजू के हिसाब से काफ़ी खुला है। ये देखें ये मेरे बाजू के हिसाब से अभी भी बहुत खुला है, तो हम अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। 3 सिंगल्स क्रोशे स्टिच, 2 स्किप स्टिचेस एंड
आप चाहें तो वन भी कर लें, इट्स ओके। सेकंड रो में आप दो ना करें, वन स्टिच भी कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे स्टिचेस अब इजीली नज़र आ रहे हैं। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच, ये सेकंड सिंगल क्रोशे स्टिच, ये थर्ड सिंगल क्रोशे स्टिच, और हमने दो स्किप किए। और ये देखें, ये अगेन अब स्किप करने के बाद ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच, फिर ये सेकंड सिंगल क्रोशे स्टिच, और ये थर्ड सिंगल। अच्छा, जब आप ये दो रोज़ आप स्किप स्टिचेस के साथ आप करेंगे, बाकी तीन रोज़ आपने स्किप नहीं करना। आपने हर स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे बनाना है, वरना ये मुंह बंद ही हो जाएगा इस बाजू का, फिर हाथ नहीं गुजरेगा। ये आपने सिर्फ टू रोज़ के अंदर स्किप स्टिचेस बनाने हैं, बाकी थ्री रोज़ के अंदर स्किप स्टिचेस नहीं करने। ये हमारी टोटल फाइव रोज़ बन जाएंगी। जब हमारी टोटल फाइव रोज़ एक इंच की होती हैं, टोटल वन इंच, इस तरह ये मेरा स्वेटर, मेरे स्वेटर का बाजू इस तरह कंप्लीट हो गया। हमारी लास्ट रो यानी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसको स्लिप स्टिच करके इसका यहाँ से धागा, अब इसके ये थ्रेड जो है यॉन का, ये हम रिमूव कर देंगे स्लिप स्टिच के थ्रू। बाजू बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है ये फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमने ये हमारी 15 इंचेस हमारी लेंथ है इस पूरे, ये एक पार्ट मैंने ऑलरेडी बना लिया है। अब मैं आपको इस तरह का सेकंड पार्ट बना करना करके दिखाऊंगी कि ये कैसे मैंने बनाया है। तो जी, मैंने जो इसकी विड्थ ली है, ये हमारी सॉरी लेंथ हमारी 15 इंचेस है, और जो हमारी विड्थ है ये आप देख लें इससे मेजरिंग, ये देखें 15 इंचेस हमारी इसकी लेंथ है, और हमने 9 इंचेस तक हमने सेम करना है। आगे से हम एक एक स्टिच स्किप करते जाएंगे, यानी ये हमारी 30 चेन्स मैंने बनाई हैं, 30 चेन्स हाफ डबल क्रोशे की, और जो 30 चेन्स हमारी 9 इंचेस बनती हैं। ठीक है, हमने 9 इंच तक तो हमने ये देखें 9 इंच तक हमने अपना जो है हमने 30 चेन्स के थ्रू ही हमने ये हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाया है। और 9 के बाद जब हम 10th अपना अगला हम आएंगे अगली रो में, तो हम सेकंड स्टिच को स्किप करते जाएंगे, फिर नेक्स्ट रो में आएंगे, फिर हम एक स्टिच स्किप करते जाएंगे। इसी तरह स्किप करते 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 हम यहाँ 15 इंच पर जैसे ही पहुँचेंगे हमने यहाँ स्टॉप कर देना है अपना। ये जी हमारी 30 चेन्स बन चुकी हैं। हम टू मोर चेन्स बनाएंगे जिनको हम टर्निंग चेन कहेंगे। जैसे ही जैसे हमने बाजू का किया था सेम वैसे ही हमने ये वाला स्टिच उठाना है, यानी हाफ डबल क्रोशे स्टिच। हमने ऊपर से हम दो स्टिचेस को स्किप करके थर्ड स्टिच के अंदर हमने हुक डालना है। हम सबसे पहले तो ऊपर से धागा घुमाएंगे, धागा घुमा के हमने टू स्टिचेस को स्किप करना है, यानी फर्स्ट टू चेन को हमने स्किप करना है, हमें थर्ड के अंदर अपना ये हुक डालना है, और हमने इस यहाँ से धागा खींचना है। धागा खींच के हमारे थ्री लूप्स बन जाएंगे, फिर हम हुक के ऊपर से फिर धागे को करेंगे घुमाएंगे हम ये हमने, और हम इन तीन लूप्स के अंदर से ये धागे को, ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अगेन हम धागा घुमाएंगे, इस वेरी नेक्स्ट चेन के अंदर हम ये हुक डालेंगे, हमने एक थ्री लूप्स बने, और ये धागा घुमा के सेकेंड हाफ डबल क्रोशे स्टिच। इसी तरह से सेम प्रोसीजर कॉन्टिन्यूस। हमने अपनी रो जब कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद मैंने आपको रो को टर्न करना भी, यानी सेकंड रो में जाना भी सिखाया है।
अब हमने सेम एग्जैक्टली सेम हमने प्रोसीजर यानी सेम ये जी हम उस लेंथ पर 9 इंचेस लेंथ पर हम पहुंच गए हैं। देख एक दफ़ा हम मेजर कर लेते हैं। आप चाहें तो आप रोज़ भी काउंट कर सकते हैं लेकिन वो मुझे थोड़ा सा भूल जाता है तो इसलिए मैं मेजरिंग टेप यूज़ करती हूँ। तो अब यहाँ हमने क्या करना है, हमने ये स्लोप बनाना है। हमने स्लोप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहला हाफ डबल क्रोशे स्टिच उठाएंगे, यानी फर्स्ट स्टिच के अंदर हमने हाफ डबल क्रोशे डालना है। हाफ डबल क्रोशे तो अब तो आप तो आ ही गया होगा बनाना। ये हमने ये देखिए हमारा फर्स्ट स्टिच है, फर्स्ट के अंदर हमने हाफ डबल क्रोशे स्टिच, ठीक है। अब हमने ये वाला जो सेकंड स्टिच है इसको हमने कर देना स्किप। अब हम थर्ड स्टिच के अंदर अपना हाफ डबल क्रोशे स्टिच ये बनाएं और इसी तरह एंड तक हम बनाते जाएंगे। और हम फिर जब हम वापस आएंगे तो हमने कोई स्टिच स्किप नहीं करना। फिर अगेन हमने इसी साइड से जब हम दोबारा उस साइड पर जाएंगे फिर हम एक स्टिच को स्किप करेंगे। ये देखें यहाँ से ये स्किप हो गया है और इस तरह ये स्लोप बनता जाएगा। ये हम सेकंड रो पर आ गए हैं, वहाँ से ये देखें फिर ये हमने स्किप किया सेकंड और हमने थर्ड के अंदर हमने थर्ड से हम इसी तरह करते करते ये एक स्लोप बन जाएगा। देखें ये हमारा स्लोप बनना शुरू हो रहा है। अभी हमने सिर्फ 2 रोज के स्टिचेज ही स्किप किए। अब हम इसकी बैक साइड करेंगे शुरू। बैक साइड भी हमारी अगेन हमारी 15 इंचेस हमारी उसकी हाइट यानी लेंथ होगी और हम जो इसकी विड्थ होगी हम रखेंगे 75 चेन्स। ये देखें ये मैंने थोड़ा सा स्टार्ट करके ही आपको दिखाया है। ये जब मैं इसकी लेंथ 15 इंचेस तक हमारी पहुंच जाएगी तो ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हमने इसको हमारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फ्रंट का भी बैक का भी और फिर बाजू भी। ये देखें ये हमारी इतनी, आप चाहें तो आपकी जितनी भी आपकी, क्योंकि ये बैगी स्टाइल है इसलिए मैंने थोड़ा सा खुला रखा और ज़ाहिर है वॉश करने के बाद थोड़ा सा ये और खुला होगा। तो और ये हमारी 15 इंचेस इसकी लेंथ। चलिए जी सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए, ये फ्रंट का, ये मेरे बाजू और ये बैक। अब हम इन सब को स्लिप स्टिचेस की मदद से जोड़ देंगे। यहाँ से लगता है मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई जिसकी वजह से ये स्लोप थोड़ा यूं और ये यूं बना है, लेकिन इट्स ओके, हम बाद में जब इसका बॉर्डर बनाएंगे तो ये बिल्कुल ही छुप जाएगा। हमने यहाँ से और इसको यहाँ एक गिरा बांध लेंगे ताकि ये इसकी जो सी अलाइनमेंट है वो सही रहे। तो अब ये और आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से जोड़, स्लिप स्टिच मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया था। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा गिरा लगा रही हूँ
इन तीनों को, यानी फ्रंट, बैक और बाजू को आपस में घेरा लगा रही हूँ ताकि जब मैं स्लिप स्टिच करने लगूँ तो ये अपने एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट अपनी जगह पे खड़ा रहे, वरना आगे पीछे हो जाता है तो फिर ज़ाहिर पहनने में थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाएगी। ये जी आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ दें, या अब मैं आपको जोड़ने के बाद दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। ये जी मैंने ये इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दिया और मैंने इसका बॉर्डर भी बना लिया है। जब मैंने सारा जोड़ दिया तो मैंने यहाँ से बॉर्डर बनाना शुरू किया और ये मैंने सिंगल क्रोशे का बॉर्डर बनाया है। और मैंने जो सिंगल क्रोशे स्टिच लिया वो मैंने बैक लूप में लिया है, मैंने पूरे स्टिच के अंदर नहीं लिया। और ये मैंने इसकी बनाई हैं 6 रोज़ और ये टोटल 3 लाइंस फिर इसकी बन गई हैं यहाँ से लेकर और ये यहाँ से पूरा ये बैक आ जाएगी और ये एंड इस एंड तक मैं इसको ले आई हूँ सिंगल क्रोशे का बॉर्डर। और ये देखिए ये मेरा पूरा स्वेटर बन गया है। मैंने इस तरह ऊपर से ये पफ फ्लावर्स लगा दिए हैं। अगर आप इन फ्लावर्स की देखना चाहते हैं ट्यूटोरियल तो ये भी मैंने YouTube पर अपलोड कर दिया है, तो आप जाके वीडियो देख लें क्रोशे फ्लावर्स DIY क्रोशे फ्लावर्स के नाम से मेरी ये वीडियो है। और ये मैंने यहाँ भी एक सिंगल क्रोशे की मैंने एक रो बना दी है और मैंने इसमें भी 3 स्टिचेस बना के एक एक स्टिच को स्किप कर दिया है, वो इसलिए ताकि ये थोड़ा सा ऐसे इकट्ठा सा हो जाए। तो जी ये अब आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा मेरा ये स्वेटर, और आप इन इस वीडियो के बाद आप इन फ्लावर्स फ्लावर मेकिंग की वीडियो भी देखिएगा ज़रूर लाजमी, और कमेंट कीजिएगा इस मेरे वीडियो को, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।